बहुत अच्छा लगता है अनु दी लोग को। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं। अरे भैया का ये क्या हो गया, क्या है ये जो? और गाइस ये भाई साहब जो इतना एटीट्यूड है कि मैं आगे से इसको बोल रहा था कि आधा घंटे से बोल रहा था मैं तो दोबारा तो नहीं आएगा। इतना बोरिंग है और इतना देरी ये लोग जो वेट कराते हैं, इतना लेट पेट होता है। चलो यहाँ से भराएगा तेल और बाइक, अभी पता नहीं क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं आया DNGC कॉलेज में, यहाँ पे मेरा एक डॉक्यूमेंट कुछ फिलअप करना था, सो इसलिए मैं ये DNGC कॉलेज में आया था। और अभी यहाँ पे थोड़ा बाहर में बैठ रहा था एंड 7:30 थोड़ा घर में आके फ्रेशअप करेगा बोल के। और ये मैं कुछ दिन से ये नीतू दी का घर में जो बैठ रहा था, नीतू दी का घर में, नीतू दी जो बीमार है और बहुत थोड़ा सीरियस हो रहा था, सो दैट्स व्हाई मैं उसको थोड़ा देखभाल के लिए नीतू दी का घर में बैठ रहा था। सो अभी मैं वहाँ से आके ये DNGC में, ये कॉलेज में, यहाँ पे यहाँ पूरा गच्ची लोग जो पूरा डिस्टर्ब हो रहे हैं वहाँ पे कॉलेज। सो अभी मैं ये कैंटीन, बाहर का कैंटीन में जो थोड़ा ऐसे ही बैठ रहा है और मेरा जो डॉक्यूमेंट फिलअप करना था वो जो वहाँ पे अभी फिलअप करेगा कॉलेज का, ये डॉक्यूमेंट चीज जो थोड़ा बहुत माथा खराब होता है। बाइक जो वहाँ पे रखा है और मेरा बाइक का वो आगे का थोड़ा सा कुछ आवाज आ रहा है। एक्चुअली मेरा भी गलती था, कुछ दिन से बाइक को बाहर में पूरा बारिश भीजने दे रहा है, सो दैट्स व्हाई बारिश करने से जो सेल्फ होता है सेल्फ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा अजीब सा मिस कर रहा है। सो दैट्स व्हाई उसको थोड़ा अभी मैकेनिक को जाके दिखाएगा। और यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट ऐसे फिलअप करने के बाद मैं अभी सीधा फिर से जाएगा नीतू दी का घर। नीतू दी का घर जाने से पहले वहाँ जाएगा, ये बाइक को थोड़ा सेल्फ को थोड़ा बनाने देगा। बाइक को यहाँ पार्किंग किया था और बाइक थोड़ा सा आवाज दे रहा है, आप सुन सकते हैं ये जगह में कुछ आवाज आ रहा है। ये एक्चुअली पूरा ये बारिश बिकने के कारण से, बारिश जो बिक के यहाँ पे घुसता है और यहाँ पे घुसता है उसका कारण से पूरा बाइक जो अभी आवाज आ रहा है। और कुछ दिन से ये बाहर में पूरा पार्किंग करके, सो लेकिन मुझे लगता है ये इसको ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करके मैकेनिक जो यहाँ से कुछ वायरिंग होता है क्या मैं फिक्स कर देगा, सो ठीक हो जाएगा, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कॉलेज का कुछ ये डेकोरेशन कर रहे हैं क्या या फिर क्या बना रहे मालूम नहीं। और कॉलेज का पूरा गच्ची इतना देरी का बर्थडे का है तो बहुत सारा गच्ची निकल गया, मैं गच्ची का पता जो, और बहुत सुंदर लग रहा है जब गच्ची का पूरा पता निकलता है ना उस पर इतना सुंदर होता है। अभी यहाँ से निकलेगा ये बाइक को थोड़ा बनाने के लिए और मैकेनिक के पास पहुँचा के इसको देखाएगा, तब पूरा ठीक हो जाएगा। अभी ये एक गैरेज में आया था, यहाँ पे पंचर होता है तो यहाँ से नहीं होगा बोला, तो मैं अभी वो जगह में जाएगा, वहाँ पे जाके वो जगह जाने से पहले वो ऊपर जगह में एक बार चेक करने देगा और चेक करने देने के बाद जो बाइक जो पूरा, चलो आई होप कि बाइक जो जल्दी ठीक हो जाए। और आवाज़ यहाँ अभी तक दे रहा है जन करके ये जगह में, चलो अभी फिर यहाँ से निकलेगा। बाइक बनाता है क्या यहाँ में? क्या भाई ये आर-15 का? आर-15 का भैया नीचे में बना, यहाँ पे नहीं होता। कौन सा? ये नीचे जगह शादी में जो लेफ्ट साइड में, यहाँ से वहाँ पे तो दुकान पूरा बंद था, तो खुला हुआ था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा दुकान है, 4-5 दुकान है ये साइड में, वहाँ ही बनाते हैं। और आपका DC ऑफिस जो है ना, हाँ DC ऑफिस चंदन नगर, उसका वहाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे भी नहीं होगा बोला है। अभी जस्ट इसको ओपन करने दिया था, सो अभी पूरा ठीक हो गया, अभी पूरा ठीक हो गया, देखो छोटा सा काम था। देख हम बोला है ना ये जब छोटा सा ये वायरिंग कारण से तो आज जो आवाज़ आ रहा था अभी नहीं आ रहा है, अच्छी लग रहा है। चलो अभी पूरा फिक्स कर दिया और अभी पूरा आवाज़ नहीं आ रहा है, यहाँ मैं आगे जिससे आवाज़ आ रहा था अभी तो नहीं आ रहा है। और ये मैं एक जगह में आया था, ये भी घर था, यहाँ पे सिर्फ वो करते हैं ये आर-15 को बनाते हैं, आधा गैरेज तो मैं नहीं बनाते हैं बोला, तो यहाँ पे मैं आया था और अभी पूरा फिक्स डन। चलो तो फिर खाना खाएगा, और मैं अभी एक्चुअली बाहर जाने के लिए किया था लेकिन वहाँ पे छोटा बारिश करके जो आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो जो बहुत ज़ोर से अभी बारिश आएगा।
और बारिश जब आता है उसमें जो बाइक जब ड्राइव करता है तो बारिश जो बहुत जोरदार से लगता है। सो मैं अभी नहीं निकल सकता और लेकिन मैं निकलने के लिए कर रहा था। सो अभी खाना खा लेगा और यहाँ पे है खाना और यहाँ आलू भाजी होगा। हाँ खाना पूरा रेडी हो गया और अभी खाना शुरू कर देगा। और मैं लिया था ये चिकन और चिकन का साथ में ये स्लिप वाला स्लिप होके ये सब्जी इसको क्या बोलता था भूल गया। ये एक्चुअली बहुत टेस्टी है एंड साथ ही साथ में लिया किंग चिली का अचार और यहाँ पे है आलू और ये चटनी मेरा फेवरेट चटनी। और चलो अभी कहेगा टेस्टी है। टेस्टी है। ये अचार जो बहुत जाल है और टेस्टी भी है। जितना जाल उतना टेस्टी। ये मेरा फेवरेट चटनी। वाह। और यहाँ पे चिकन खाना खा के हो गया और खाना में मैं बहुत सारा मिर्चा खा दिया था। सो दैट्स व्हाई यहाँ पूरा आंसू निकल गया बहुत झाल था। सो अभी यहाँ देख सकते हैं अभी मैं बाहर निकलने के लिए कर रहा था और बार बार बारिश गिर रहा है छोटा छोटा करके यहाँ में बारिश गिर रहा है। सो बारिश जब रुक जाएगा मैं यहाँ से कुछ काम के लिए निकल जाएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ थोड़ा अभी जस्ट खाना खाया तो पेट भी पूरा अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। सो अभी डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट करेगा उसके बाद बारिश रुकने के बाद मैं थोड़ा बाहर जाएगा बाहर में थोड़ा काम था। चलो बारिश रुकने का थोड़ा वेट करेगा। तो गाइस बारिश पूरा रुक गया और अभी मैं थोड़ा बाहर जाके आएगा। बाहर में जितना काम करना था ये थोड़ा सा मेरा कुछ काम था तो उसको जो पूरा काम खत्म होने के दीका पास वापस आएगा और तब तक के लिए चलो बाहर जाके वहाँ पे जो काम है देखिएगा। आया है ये KFC दी जो KFC से कुछ खाने के लिए लो बोला था। सो अभी KFC से कुछ खाने के लिए ले लेगा और यहाँ से ऑर्डर करके दी का घर फिर निकाल जाए। और KFC का सामने में मैं पहुँच गया और बाइक जो उधर आगे पे पार्किंग गया या पार्किंग करने जगह नहीं था। सो यहाँ पे KFC में इतना सारा आदमी है तो मुझे बोर लगते चलो इसके अभी ऑर्डर कर लेंगे। और गैस ये भाई साहब जो इतना एटीट्यूड है कि मैं आगे से इसको बोल रहा था कि आधा घंटे से बोल रहा था एक थोड़ा सा फ़ोन बात कर दो दीदी कॉल कर रहा है क्या क्या सामान लेना है उसको जो थोड़ा सा वो बताएगा बोल के मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। इतना भाव देता है ये जो और मेरा बोलने वाला को इतना इग्नोर मार रहा है। मैं आधा घंटा से इसको वेट कर रहा था और अभी जाके फ़ोन को एक्सेप्ट किया इतना एटीट्यूड। यहाँ KFC में जो 10-15 मिनट ऐसा लगेगा बोला। तो मैं अभी यहाँ से थोड़ा कहीं घूम के आएगा इतना वेट कौन कर सकेगा। और अंदर में AC भी नहीं है फैन भी नहीं है इतना गर्म है ये KFC जो मैं तो दोबारा तो नहीं आएगा इतना बोरिंग है। यहाँ पे मैं KFC से सामान लेके आ गया और यहाँ पे पूरा फुल और कोल्ड ड्रिंक भी है अंदर पे। चलो यहाँ से अभी निकलेगा और इतना देरी ये लोग जो वेट कराते हैं इतना लेट पेट होता है। चलो अभी यहाँ से फाइनली निकल गया चलो अभी घर जाएगा। तो कैसे भुकेगा तो पकड़ने के लिए तकलीफ है तो हाथ में ही ऐसे पकड़ के ले जाने। घर पहुंच गया और अभी यहाँ पे दरवाजा है। चलो फ्री में जो आते थे इतना तक जाता है। सो पूरा अभी सामान को यहाँ अभी रख देगा दी को बता देगा अभी सामान आ गया बोल के। बहुत गर्म है क्या बना रहा है देखो ये जो ना यदि मैं कुछ पूछता है ना ऐसे हंस के रहते हैं तो बेकार है पूछना। घर पहुँच के मैं अभी जस्ट पूरा फ्रेश अप किया और नहाया पूरा नहा के बहुत मज़ा लग रहा है और बहुत फ्रेश हवा ये पेन जो और भी बहुत फ्रेश और अभी जस्ट मैं नहा के ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के साथ साथ बपन भैया लोग आया इतना सरप्राइज है मुझे मालूम ही नहीं था कि ये लोग जो आ रहे हैं बोल के। सो बपन भैया लोग आस पास तक नहीं पता कि आए हैं। सो यहाँ पे अंजू दी लोग साहब लोग हैं थोड़ा रेस्ट करेगा रेस्ट करके यहाँ में अंजू डी लो अभी आया है। अंजू डी लो का साथ में ऐसे ही बात करके बैठेगा उसका बाद हम लोग यहाँ में कुछ कुछ क्या क्या प्लानिंग करके बैठेगा समझ में नहीं आता है। हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ पे ये जूस लेने
और मॉन्स्टर पावर मॉन्स्टर एंड मैंगो एप्पल जूस वगैरह हम लेने जा रहे हैं, बहुत सारा जूस लेंगे अभी यहाँ पे हम जो खाएगा पिएगा। और चलो, और बपन भैया लोग जो आने से बहुत कुछ यहाँ पे जूस लोग ऐसे ला देते हैं, सो बहुत अच्छा लगता है अनुदी लोग को। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, पपन भैया का गाड़ी यहाँ पे रखा है, सो यहाँ से और बाइक में तो तीन आदमी नहीं बैठ सकेगा तो गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। चलिए, ओ अरे भैया का ये क्या हो गया, क्या है ये जो बहुत जोर से आवाज़ देने तक मैंने दरवाजा को बंद कर दिया। चलो गाड़ी जो डाउन पे नम रहा है और देखने के लिए बहुत मजा लग रहा है। वाह, क्रीम मैंगो। उस दिन हम लोग यहाँ से मैंगो वाला खाया था और वो बहुत टेस्टी था, सो अभी यहाँ पे मैं तो उस दिन भी दी मैंगो वाला खाया था। क्या मैं वो मैंगो वाला नहीं, चोकोबार मैंगो वाला नहीं है, सो चोकोबार ही खाना पड़ेगा। चलो चोकोबार ले लो जी, जैसे ये ले लो, ये भी तो चोकोबार। चलो हम लोग वापस आ गया और सामान लेके पपन भैया वहाँ गाड़ी पार्किंग करने जा रहे हैं और चलो अभी घर वापस जाएगा और हम लोग मॉन्स्टर वगैरह ले मॉन्स्टर जितना लेना था। चलो दी, चिप्स को डाल दिया था ना? कौन सा चिप्स? और चिप्स ले आता ना, और वो छोटा बच्चा वाला के लिए, पपन भैया का बेटा के लिए चिप्स ले दिया था। हम लोग वापस दुकान में जा रहे हैं क्योंकि हम लोग सामान आधा भूल गया और घर पहुंचने के बाद अभी जब सामान को ओपन करा था तब मालूम चला कि हम लोग सामान को भूल गया, क्योंकि तो अभी दुकान वापस जाना पड़ेगा और अभी तो रात हो गया कि ना 11 बजने वाला है, सो दुकान भी बंद होने वाला होगा, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। और ये छोटा भाई जो इतना चिल्लाता है ना गैस, अभी इसको फिनिश कर देगा। और आज का खाना यह है और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है मेरा आगे दिन में जो खाया था किंग चिली का अचार, और यहाँ पे है पम्पकिन एंड ये जो आलू है आलू भाजी, और ये मीट एंड ये ओनियन, सो सबको फिनिश कर दूंगा गाइस। चलिए चलिए, और ये किंग चिली जो बहुत जाल होते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आई होप आप सब मेरा आज का ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। और आप लोग ने मुझे पूछ रहा था कि गीतर का वीडियो क्यों यूट्यूब में अभी नहीं डाल रहे बोल के, मैं डालता है, मैं कभी कभी YouTube वीडियो में भी डालता है, लेकिन मैं अभी सोच रहा है कि मेरा ये गिटार का ऐसे वीडियो बनाने वाला को, गिटार बजाने वाला को मैं मेरा Facebook पेज में जो डाल देगा बोल के, Facebook पेज में मैं अलग से म्यूजिक का करेगा एंड YouTube में जो मैं व्लॉग्स का करेगा बोल के, और बाद में सुनने से मीन्स कहीं पे मैं परफॉर्म करेगा, बड़ा जगह में परफॉर्म करेगा, सो उसको मैं YouTube में अच्छे से डाल देगा मेरा परफॉर्मेंस वीडियो को भी। और अभी के लिए मैं पूरा YouTube पे अभी ये व्लॉग्स का फोकस कर रहा है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, आप सबका सपोर्ट का मुझे बहुत जरूरी है। अभी मैं व्लॉग्स ऐसे कंटिन्यू कर रहा है और ट्राई कर रहा है कि हर दिन डालने के लिए, और हर दिन नहीं सकने से भी मैं दो दिन का बाद में एक टू डाल देगा बोल के, सो मैं व्लॉग्स इतना का करने तो नहीं आता है, लेकिन ऐसे ही दिन का क्या करता है क्या नहीं करता है मेरा हर दिन का को मैं आप लोग को अपडेट ऐसे दे रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना ना। और चैनल पे न्यू आया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, आप सबका सब्सक्राइब मुझे बहुत हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए नए ब्लॉग्स, और फिर कल मिलते हैं और एक न्यू शानदार ब्लॉग्स के साथ, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।